अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की नजरें आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आलमी अदालत इंसाफ पर लगी हुई हैं, जहां आज जासूसी के इल्जाम में पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का फैसला सुनाया गया है। आईसीजे ने अपने फैसले में कहा है कि कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस का हक हासिल है। पाकिस्तान अपने फैसले पर नजरसानी करे, जो कि सजाए मौत का दिया गया है। केस का फैसला काफी हद तक पाकिस्तान के हक में आता हुआ नजर आ रहा है, और अब आईसीजे ने अगर देखा जाए तो इस केस पर पाकिस्तान को फैसला करने का इख्तियार भी दे दिया है कि अपने फैसले को वो रिव्यू करे, जो कि डेथ सेंटेंस का दिया गया है मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से। देखना अब यह होगा कि पाकिस्तान की इस फैसले पर स्ट्रेटजी यहां से ऑनवर्ड्स क्या होगी। ये फैसला अगर देखा जाए तो ऐसे वक्त में हमारे सामने है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करतारपुर कॉरिडोर को लेकर मुजाकरात किए जा रहे हैं, और इमरान खान अभी कुछ दिन बाद ही अमेरिका का दौरा भी करते हुए हमें नजर आएंगे। अब इस फैसले को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशंस पर क्या असर पड़ेगा, हम इसको अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, और इस फैसले के जो इंपैक्ट होंगे उस हवाले से हम लीगल एस्पेक्ट को भी यहां पर डिस्कशन में लाना चाहेंगे। साथ साथ अगर देखें तो आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब किया, और उन्होंने कहा कि हड़तालें करने से अगर कोई समझता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा तो ये उसकी भूल है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मजीद क्या कहा उन्होंने आज, लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट। आज अपने पाकिस्तान में याद रखें कि जो हम देख रहे हैं वीआईपी जो जेलों के अंदर जो अरबों रुपए की चोरी है, उनको एयर कंडीशन मिल रहा है जेलों में, और जो बेचारा छोटी सी चोरी करता है वो उसके साथ जेलों में जो होता है, सबको हमें पता है कि बेचारों के ऊपर एक कमजोर आदमी के ऊपर जेल में क्या होता है। क्योंकि ये हमारा मुल्क है, मेरा तो कोई पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरा तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मेरा तो जीना मरना इधर है, तो इसलिए मैं जो चीज़ें करूँगा इंशाल्लाह आपके लिए वो इस तरह है कि अपने लिए कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं जिनके सारा अरबों 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 रुपया बाहर पड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले गए हैं, उनका और आपका इंटरेस्ट एक नहीं है। जो ये इस वक्त समझ रहे हैं कि हम और बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, इन लोगों ने शौकत हानम के लिए बड़ा पैसा दिया हुआ है लेकिन वो टैक्स नहीं देते, तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि अब कोई भी ये अगर समझता है कि हम आप प्रेशर डालेंगे, स्ट्राइक करेंगे और अब मैं पीछे हट जाऊँगा, प्लीज़ ये समझ जाएं, अगर मैं पीछे हटूंगा मैं आपसे इस कौम से गद्दारी करूँगा। जी, जैसे कि कहा गया कि अरबों की चोरी करने वाले एयर कंडीशन जेल्स में बैठे हैं, और जो छोटी चोरी करता है उसके लिए इंसाफ कुछ और होता है। साथ ही साथ जो एक और अहम डेवलपमेंट आज सामने आती है वो होती है वीडियो स्कैंडल के हवाले से, जिसमें कि एफआईए ने जज अरशद मलक की जो एलेज्ड ऑब्जेक्शनेबल वीडियो है उसे बनाने पर मियाँ तारिक को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल की हेयरिंग के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जो है वो सामने हमें आज आता हुआ नजर आया, जिसके मुताबिक दोनों फरीकैन के जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद अटर्नी जनरल को इस केस में मुआवनत के लिए पेश होने का हुक्म भी दिया गया है, और इस केस की हेयरिंग अब जो है 23 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। साथ साथ हम बात करेंगे कि टैक्स के सिस्टम में बेहतरी के लिए शब्बर जैदी साहब को हमने देखा कि वो सामने आए थे और उन्हें चेयरमैन एफबीआर लगाया गया था। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं और शब्बर जैदी मिलकर टैक्स रिफॉर्म्स में बेहतरी के लिए काम करेंगे, लेकिन अब आज ये खबर चलती हुई नजर आ रही है और जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है कि चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब को जल्द ही ओहदे से हटा दिया जाएगा, और शायद उन्हें मिनिस्ट्री बराए रेवेन्यू या पीएम साहब का जो स्पेशल एडवाइजर फॉर रेवेन्यू है उसका ओहदा दिया जा सकता है। सवाल यहां पर यह उठ रहे हैं कि सिर्फ दो माह में ही यह तब्दीली क्यों की जा रही है, और फिर जिस तरह से फ्रीक्वेंटली ये डेजिग्नेशन जो है ये शफल कर दी जाती है, जब भी कोई डायरेक्शन सामने लेने लगती है कोई मिनिस्ट्री तो वहां पे हमें रीशफलिंग होती भी नजर आती है, तो इसकी वजह क्या है, क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंज। उसके साथ साथ आज की अहम खबर और ये भी रही कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की तहरीक को कामयाब जो है वो कैसे बनाया जाएगा। ऑपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का सेशन कल सेनेट में तलब कर लिया गया है इस तब्दीली को कामयाब बनाने के लिए, और फिर हमने साथ साथ देखा कि आज सादिक संजरानी साहब की राजा जफरुल हक साहब से मुलाकात होती है, और इस मुलाकात में मीर हासिल बजिंजो भी मौजूद थे। अब इस मुलाकात की क्या अंदरूनी कहानी है हम उसको भी जेर गौर लेकर आएंगे, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन हम आपको अपने ऑनरेबल पैनल का इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं
जनाब फैसल हयात खान साहब एडवाइजर टू सीएम पंजाब हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखती हैं जनाब हिना परवेज बट साहिबा, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अजहर सिद्दीक साहब, सीनियर लीगल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी कुछ देर पहले ही हमारे सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला जो है वो सुनाया गया है कुलभूषण यादव के केस पर, जिसमें जो अगर मेजर टेक अवेज पाकिस्तान के लिए देख लिए जाएं तो वो हमें नजर आता है कि जो डेथ सेंटेंस थी उसको रिव्यू करने का कहा गया है, उसको जो है क्या अब ये समझा जाए कि सस्पेंड होना कहा जा सकता है, ये हम लीगली जो है मालूम करना चाहेंगे। दूसरा, कुलभूषण यादव को भारत को वापस करने का जो उनका मुतालबा था वो रद्द कर दिया गया है और कुलभूषण यादव को जो है एक दहशतगर्द के तौर पर तस्लीम किया गया है। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम यहां पर अजहर सिद्दीक साहब आपसे अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे एंड वी वुड लाइक टू हैव योर लीगल ओपिनियन ऑन दिस केस। आज आपने देखा कि कुलभूषण यादव केस पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने पाकिस्तान के डेथ सेंटेंस जो कि मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से दी गई थी 2017 में एसपी नाज पर, उसको रिव्यू करने का कहा है और काउंसलर एक्सेस देने का भी कहा गया है। आज के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान की फतह समझी जा सकती है? भैया आप देखिए, जहां तक मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, काउंसलर एक्सेस देने के हवाले से पाकिस्तान ने इसको ऑब्जेक्ट ही नहीं किया था। पाकिस्तान ने अपना एक्सेस देने के हवाले से, चूंकि रिकॉर्ड की बातें हैं, तो जहां तक देखा जाए इन माई ओपिनियन पाकिस्तान ये केस मुकम्मल तौर पर जीत चुका है। वजह है कि लीगल लैकुना है अंडर द वियना कन्वेंशन, काउंसलर एक्सेस देना था जो कि पाकिस्तान की तरफ से जो कि डिले हो गया। और दूसरा ये था कि जैसे ही आप अरेस्ट करते हैं तो अंडर आर्टिकल 36 आपको कन्वे करना होता है, तो यहाँ पाकिस्तान की तरफ से कन्वे भी नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड पे चीजें, तो पाकिस्तान ने इन चीजों को कंटेस्ट किया नहीं था। वही अगर हमें पूछते हैं तो ये काउंसलर एक्सेस देने में मेक नो डिफरेंस। और दूसरा जो बात है ना, इफेक्टिव रिव्यू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हमारे कानून के मुताबिक रिव्यू तो उस जजमेंट का रिव्यू तो अवेलेबल है, लेकिन रिव्यू का इख्तियार अपील नहीं है। जरा फर्क देख लीजिएगा, अपील में तो ये आपके पास इख्तियार है कि केस सारा नए सिरे से ओपन होता है, एक एक कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग होती है, रिव्यू में तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्चुअली जो रिव्यू के साथ साथ। अजहर सिद्दीक साहब जी, आपने आपने अफेक्टिव रिव्यू की बात की, अफेक्टिव रिव्यू के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि ये अफेक्टिव रिव्यू पाकिस्तान की डोमेस्टिक कोर्ट्स में होनी चाहिए, तो ये आपको लगता है कि ये जो सजाए मौत की सेंटेंस है वो डोमेस्टिक कोर्ट्स में जो है उसको बरकरार रखी जाएगी? देखिए मैं पहले अर्ज कर दूं, उन्होंने अगर तो वो जजमेंट सेट असाइड करते, अगर जजमेंट इंटरनेशनल कोर्ट सेट असाइड करती तो फिर नए सिरे से आके आप डोमेस्टिक कोर्ट या बाकी आप बाकी चीजों को देखा जा सकते हैं। अब उस जजमेंट को रिव्यू करने का कहा है तो उस जजमेंट को रिव्यू जिस कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट और एक्सपायनेज एक्ट वगैरह के तहत, उसमें तो ज्यूरिसडिक्शन ही उनकी मिलिट्री कोर्ट के हवाले से है। तो मैं इन माई ओपिनियन आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि ये डोमेस्टिक कोर्ट की हद तक लाजमी नहीं है कि अपना टोटल जो आपने जो बातें की है वो इंटरप्रिटेशन में आनी है। इंटरप्रिटेशन में आकर पाकिस्तान सिर्फ इस हद तक मैं समझता हूँ काउंसलर एक्सेस देना पड़ेगा। रिव्यू में जो कोई भी केस वो लाएंगे वो मिसाल के तौर पर अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट की हद तक अगर उन्होंने कोई अपील दायर की होगी तो वहां बैठ के अगर देखा जाए तो वहां जाके ये मामला देखे जा सकते हैं। लेकिन एज फार एज अगर आप इस मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन को देखें, वो मिलिट्री के कोर्ट के डिसीजन को उन्होंने सेट असाइड नहीं किया। अब ये रिव्यू उसी डिसीजन को करना होता है तो उस डिसीजन को रिव्यू करने का जो पैरामीटर रिव्यू के होते हैं जो वही कोर्ट रिव्यू करती है, कोई नई कोर्ट रिव्यू नहीं करती। अगर नई कोर्ट रिव्यू करेगी वो तो बिल्कुल अलग है, ज्यूरिसडिक्शन आ जाएगी। तो जहां तक ये वाली बात है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया है, उन्हें रिव्यू का भी पता है बड़ी आसानी से, उनको ये हमारे मिलिट्री कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, और मैं इंडियन चैनल्स को ये सारा देख रहा था, उनके मुताबिक ये किया है, वो पॉइंट ऑफ व्यू ये ले रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट 2 साल की थी, फिर 2 साल की एक्सटेंशन हुई है। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि जब रिव्यू की पोजीशन हो तो वो अगर कोर्ट खत्म ही हो चुकी हो तो उन्होंने उसी स्टेज पे आकर देखना है। तो यहाँ पाकिस्तान को हो सकता है कि साथ साथ मिलिट्री कोर्ट की मुद्दत मियाद शायद बढ़ानी भी पड़ जाए, यानी इफेक्टिव रिव्यू का कहा गया है ये मिलिट्री कोर्ट्स में ही हो पाएगा।
ये बिल्कुल देखिए ना, अगर एक्सटेंड कर जाती है मिलिट्री कोर्ट्स, अगर वो सेटिसफाइड करते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी थी, यहां जो कि वो इफेक्टिव रिव्यू, अब इफेक्टिव रिव्यू तो जजमेंट का होता है और रिव्यू हो रहा होता है, रिव्यू वही कोर्ट करती है, रिव्यू ये नहीं है कि अब हाईकोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट कर दे, रिव्यू मिलिट्री कोर्ट ने किया तो हमारी कोई डोमेस्टिक कोर्ट और आज कर दे ट्रायल कोर्ट, तो यहां पर कांट इंटरफियर इन टू इट, यानी जहां तो ये मिलिट्री कोर्ट ने किया तो रिव्यू उसी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज, एक उनको बल्कि वो एडवांटेज मैं इसलिए नहीं मानता कि पाकिस्तान हैज प्रेजेंटेड अ वेरी बहुत जबरदस्त केस अनवर मंसूर साहब ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और बाकी टीम ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, तो इंडिया के लिए वो अपनी टीवी में वो खुशियां बनाते फिर रहे हैं, एक्चुअली ना ये विन विन पोजीशन है बल्कि इंडिया के लिए यहां पर फिर अजहर सिद्दीक साहब यहां पर और राइट हमने देखा सुषमा स्वराज जो है वो फौरन आकर सोशल मीडिया वेबसाइट पर ट्विटर पर ट्वीट करती हैं, मुबारकबाद देती हैं कि ये इंडिया की विक्ट्री है और वो नरेंद्र मोदी को भी मुबारकबाद दे रही हैं। हमारा फॉरन ऑफिस जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है हम उसका भी वेट करें, लेकिन यहां पर हमने देखा था कि इंडिया ने एक बड़ा मुतालबा जो उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि या यादव का अक्विटल होना चाहिए, उसे रिलीज करना चाहिए और वापस इंडिया के हवाले करना चाहिए, इनमें से कुछ भी नहीं किया गया, कहा गया है कि यादव पाकिस्तान की ही तहवील में रहेगा, तो इसमें फिर और काउंसलर एक्सेस की बात की है तो इसमें वो उनको अपनी फतह अपनी विक्ट्री किस तरह से नजर आ गई? मैं मेरा जानता ख्याल है स्वराज साहिबा वो बहुत जल्दी में वो सिर्फ ऑपरेटिव वो एंड वाला पार्ट पढ़ लिया, उन्होंने पूरी जजमेंट देखी नहीं, हालांकि जजमेंट के स्टार्ट में उन्होंने पॉइंटर की शक्ल में शॉर्ट और उन्होंने वो सारा कुछ जजमेंट में वाजे तौर पर लिखा हुआ है और बहुत जल्दी में कह दिए। यहाँ जो आप सबसे जो अहम इशू है कि उन्होंने बाकायदा जजमेंट सेटिसफाइड करने के बाद और हवाले करने का भी कहा था, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज दी पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनका काउंसलर एक्सेस के हवाले से वो मैं फिर बताता चलूं आपको कि वो हमने पाकिस्तान ने उस केस को प्लीड ही नहीं किया था, उस पोर्शन को क्योंकि काउंसिल एक्सेस नहीं दिया था, अगर देखा जाए पाकिस्तान को तो इस पर एतराज ही नहीं था, पाकिस्तान ने इसलिए ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। और यहाँ जो इफेक्टिव रिव्यू के हवाले से बात है, एवरीबडी नोज कि रिव्यू का अपना जो पैरामीटर होता है, जो रिव्यू की ज्यूरिसडिक्शन होती है वो बड़ी लिमिट है, और यहाँ कोई देखे यहाँ कोई लीगल क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो लीगल क्वेश्चन ऐसा कोई मौजूद नहीं है, फैक्चुअल चीजें सारी रिकॉर्ड में मौजूद है, ठीक है उनकी उसकी इंडियन नेशनलिटी मान लिया, लेकिन वो मटीरियल कहाँ ले जाएंगे कि वो ईरानियन वीजा लेकर पासपोर्ट लेकर और बाकी चीजें, और बाकायदा जो पाकिस्तान ने लिंक दिए कि उन्होंने बाकायदा टेररिस्ट, और दूसरी बात याद रखिएगा अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ नॉर्मल केस होता तो हालात कुछ होने थे, ये टेररिस्ट के तौर पर है, अगर टेररिस्ट के तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट इस तरह इंटरफेयर करने लग जाएगी तो पूरी दुनिया में उनके लिए बड़ा मुश्किल है टेररिज्म को कंट्रोल करना, तो मैं नहीं समझता एक अच्छा मौका। और हम यहाँ पर हुकूमती पर्सपेक्टिव भी लेंगे और ऑपोजिशन का पर्सपेक्टिव भी लेंगे, यहाँ पर हम पहले फैसल हयात खान साहब आपकी जानिब अगर आ जाए, अभी आपने लीगल एनालिसिस सुना है जो कि आज के आईसीजे के फैसले का हमारे सामने है, जिसमें कि सजाए मौत को रोक दिया गया है इन अ वे, उसको इफेक्टिव रिव्यू करने का कहा गया है, काउंसलर एक्सेस ग्रांट करने का कहा गया है, बट एट द सेम टाइम जो इंडिया का मुतालबा था कि कुलभूषण यादव को अक्विटल दिया जाए, रिलीज किया जाए और इंडिया वापस भेजा जाए, वो डिनाई हो गया है, पाकिस्तान की तहवील में ही रहेगा, और एक जो जासूस है, अब यहां पर ये क्या दहशतगर्द तस्लीम किया गया है कुलभूषण यादव को आईसीजे की जानिब से, या सिर्फ जासूस की हद तक जो है तस्लीम किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह के अजहर फरूक साहब हमारे एक सीनियर लॉयर हैं और उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ चीजें डिस्कस की, पहली बात तो यह है कि मैं पाकिस्तान की पूरी कौम को और पाकिस्तान के हर जिम्मेदार शहरी को इस बात की मुबारक देता हूं कि पाकिस्तान ने जिस तरह इस केस को प्ली किया और जिस तरह हमारी लीगल टीम ने इस केस को परसू किया, मैं समझता हूं कि ये सारे लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं कि जो पाकिस्तान का मौकिफ पहले दिन से था उसको तस्लीम कर लिया गया और कुलभूषण को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया, और इसका फैसले का इंपैक्ट सिर्फ इस केस पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली जो है यह बात तस्लीम कर ली गई कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो हमेशा गलत बयानी करता है और
गलत बयानी की वजह से चीजों को खराब करने की कोशिश करता है। आज के फैसले से मैं जो पाकिस्तान का मौकिफ था, मैं समझता हूं कि 101 उसको तस्लीम कर लिया गया। जहां तक आपने बात की कि उनके डेथ वारंट जो है उनको सस्पेंड नहीं किया गया, रिव्यू और अपील में बुनियादी तौर पर फर्क यह है, बुनियादी तौर पर फर्क है ये कि अगर अपील होती तो अपील का मतलब यह है कि पिछले फैसले को सस्पेंड करके आपको मौका दिया जाता है कि आप अपील करें, और जब रिव्यू की बात की जाए तो रिव्यू में ज्यूरिडिक्शन जो है वो बड़ी लिमिटेड से होती है, और उसी कोर्ट में, उसी कोर्ट ऑफ लॉ में आपने उन लीगल पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है जो कि आप समझते हैं कि शायद उनको डिस्कस नहीं किया गया या उनमें कोई ना कोई फर्क है। तो इस वजह से पाकिस्तान में जो रिव्यू की बात हुई तो ये तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के की बेहतरी, पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो आपने जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर साहबा की बात की और उन्होंने ट्वीट किया मुबारकबाद, वो तो हमेशा जो है जब उनके अपने त्यारे पाकिस्तान में गिरे तो उन्होंने उस वक्त भी अपनी कौम से कहा कि हमने इन पाकिस्तान के त्यारे गिरा लिए हैं और ये कर लिया है, तो उनका तो प्रोपगंडे के अलावा और काम ही नहीं, और अपनी कौम को वो क्या बताएं कि हम पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट तो हम खुद दहशतगर्द हैं और अक्रॉस द बॉर्डर जाके दहशतगर्दी कोई जो है उसको में वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो ये फैसला जो है ये बिल्कुल साफ के मुताबिक है और पाकिस्तान के लिए खुशहाल डिसीजन हुआ। आ गया फैसल हयात खान साहब, हम मूव ऑन करेंगे यहाँ पर। हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये आज हमारे सामने जो है आईसीजे का फैसला है जिसमें कि पाकिस्तान ने जो कलभूषण के हवाले से फैसला दिया था उसे कहा गया है कि अफेक्टिव रिव्यू किया जाए और फिर जो है जो काउंसलर एक्सेस है उसको भी देने का फैसला जो है वो सुना दिया है। हमने ये भी देखा कि जो फाइनल क्रक्स है इसका वो ये भी है कि भारत को उसका दहशतगर्द वापस नहीं दिया जाएगा जिसका कि मुतालबा किया गया था। अब ये जो दूसरी कंडीशंस रखी गई हैं आईसीजे की जानिब से, क्या ये पाकिस्तान पाबंद होगा कि आईसीजे का फैसला तस्लीम करे और उस पर अमल करे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को बड़ी मुबारकबाद दूंगी कि पाकिस्तान का इंटरनेशनली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन गया है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में बदनाम किया जाता है कि हम दहशतगर्द हैं, तो अब जो इंडिया की रियलिटी है वो इंटरनेशनली सामने आ गई है और हम ये अब क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी है उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। अब और ये आईसीजे का जजमेंट ने ये प्रूव कर दिया है कि ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हुई और प्लान हो रही थी वो इंडिया उसमें इन्वॉल्व था, तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुबारक बात है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि सिंस दिस गवर्नमेंट केम, तब से हमने इस केस को इतना स्ट्रांगली प्रोजेक्ट नहीं किया। आप लास्ट 10 महीनों में देखें हमने कितना इंटरनेशनली या ओवरऑल फॉरेन ऑफिस में इस केस को उठाने की कोशिश की। तो अगर हम ये प्रूफ कर देते कि पाकिस्तान ये एक एजेंट है, और सिर्फ ये अगर एजेंट प्रूफ कर देते तो हमें वियना कन्वेंशन का भी चीज़ हमारे पे लागू ना होती। तो आई पर्सनली थिंक कि हमें इस केस को इस तरह और स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहिए था कि दिस पर्सन वाज अ एजेंट, और अगर एक एजेंट है पूछ लेते हैं यहाँ पर लीगल व्यू ले लेते हैं आपकी इस रिजर्वेशन का। अजहर सिद्दीक साहब, एक तो यहाँ पर जो कहा गया कि शायद उस तरह से हमारी तरफ से अपने केस को जिस तरह से करना चाहिए था, एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि हमें इस तरह के फैसले यूनिलैटरल लेवल पे नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने जब पायलट को भी इंडिया को यूनिलैटरली रिलीज कर दिया, उसके बाद अब मोदी साहब को कॉल्स कर रहे थे और वो हमारा फोन नहीं उठा रहे थे, तो इंडिया हमारे कोई भी एक्शंस को रेसिप्रोकेट नहीं करता। सच डिसीजंस को हमेशा बायलैटरल होना चाहिए और इनके ऊपर हमें डिप्लोमेटिक लेवरेज पॉइंट्स जो है वो लेने चाहिए। और बिल्कुल मुझे तो ये लगता है अगर हमें इस वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस को अभी तक रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हिना, आपका पर्सपेक्टिव आ गया, वी गेट यू। यहाँ पर अजहर सिद्दीक साहब, एक तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जो यहाँ पे रेस की गई है रिजर्वेशन, दूसरा हम देखते हैं जो हुसैन पटेल के नाम का पासपोर्ट इशू हुआ था उसको भी आईसीजे तस्लीम कर लेता है और ये भी होता है कि इंडिया ने ये पासपोर्ट इशू किया है, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी समझी जाए कि फाइनली एक्नॉलेजमेंट हो रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्द एक्टिविटीज में वो जो है पेनिट्रेट कर रहा है, उसकी जानिब से जो है ये एक्टिविटीज हो रही हैं, इनमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है।
पहले तो मैं दरअसल कुछ हिस्ट्री की हिस्टोरिकल चीजें बता दूं, है ना। प्रवेश साहिबा ने बातें तो ये मौजूदा गवर्नमेंट के, मौजूदा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, जो मैं पहले बताता चलूं कि 8 मई 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइल की थी रजिस्ट्री ऑफ कोर्ट में एप्लीकेशन के वो प्रोसीडिंग अगेंस्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो 8 मई 2017 को इनकी अपनी गवर्नमेंट मौजूद थी। और ये सारे मामला 8 मई के बाद ये आगे चले और ये मैटर फिर 9 मई को बाकायदा हुआ, फिर 10 मई की प्रोसीडिंग चलेंगे। सारा कुछ इन्हीं के दौर के अंदर ये मामला स्टार्ट हो चुका था। जहां तक दूसरी बात है वो क्लियर करना, ये हर एक को पता है कि ये 18 से 21 फरवरी 2019 तक इसकी प्रोसीडिंग बाकायदा चली और ये जजमेंट इसके अंदर रिजर्व हो चुकी है। हमें इन चीजों में आई डोंट थिंक सो वी शुड एक्ट एज ए स्टेट्समैन। हम ये उस गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। मैं अगर चाहूं हम यहाँ पर क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कुलभूषण केस के हवाले से, जिस पर आईसीजे का फैसला इस वक्त हमारे सामने है। और आईसीजे ने पाकिस्तान के फैसले पर इफेक्टिव रिव्यू का कहा है। अब क्या पाकिस्तान फैसले पर नजरसानी करने का पाबंद है? और साथ साथ आईसीजे ने यह भी कहा है कि कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस दिया जाए। क्या जो जासूस को काउंसलर एक्सेस है वो जो वियना कन्वेंशन है आईसीजे के मुताबिक उसके अंडर भी आता है, और जो बायलैटरल रिलेशंस हैं पाक और इंडिया के दरमियान उसके अंडर भी आता है? तो ये काउंसलर एक्सेस तो कहा गया है कि पाकिस्तान ने कभी भी इसमें हिंडर नहीं किया था। साथ साथ जो इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त है, क्या वो दायर हो सकती है जो आईसीजे का फैसला इस वक्त हमारे सामने है? और फिर जो भारत की जानिब से मुतालबा किया गया था कि उन्होंने कुलभूषण के एक्विटल को या रिलीज को और फिर इंडिया के हवाले करने को कहा गया था, उसको कंप्लीटली आईसीजे ने जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कुलभूषण पाकिस्तान की तहवील में ही रहेगा। साथ साथ जो हुसैन पटेल के नाम से पासपोर्ट इस्तेमाल हुआ था उसको भी एक्नॉलेज किया गया है आईसीजे के फैसले में। ये कितनी बड़ी कामयाबी समझी जाए पाकिस्तान के लिए कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो अभी तक का स्टैंड था कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करवा रहा है, वो अब फाइनली एक सॉलिड फॉर्म में दुनिया के सामने है। हम इसी को बात को कंटिन्यू करेंगे यहां पर। अजहर सिद्दीक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक तो आप जो रिजर्वेशन सामने रखी गई थी हिना परवेज भट्ट की जानिब से, आप वो क्लेरिफाई कर रहे थे। दूसरा, हमने आपके सामने पासपोर्ट इशू भी रखा था कि जो हुसैन पटेल के नाम का पासपोर्ट यूज किया गया था कुलभूषण यादव की जानिब से, उसको भी एक्नॉलेज कर लिया गया है इस फैसले में आईसीजे के। आज ये अगर हम फैक्चुअल बैकग्राउंड देखें, फैक्चुअल बैकग्राउंड में पूरी जजमेंट के अंदर ये नहीं कहा कि हमने ये साइंस किया है, बाकायदा उन्होंने जिक्र किया है, कोर्ट ने जिक्र किया। सब 3 मार्च 2016 को बाकायदा इस इंडिविजुअल कुलभूषण यादव को पकड़ा गया। 25 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने हाई कमीशन इंडिया को बताया और इल्जाम लगाया कि ये रॉ का एजेंट है और इसका नाम बाकायदा हुसैन मुबारक पटेल है और ये पासपोर्ट पे चेंज करके आया है। ये वो सारी चीजें उठाई गई। इशू जो मैं सिर्फ सिंपल बताता हूँ, देखिए अच्छा नहीं लगता लेकिन ये मौका ऐसा है कि जिना साहब ने एक बात के अंदर और वाकयात में देखें वो मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी भी कुलभूषण यादव के बारे में कभी बात नहीं की। ये रिकॉर्ड की चीजें, मैं अभी लड़ने के मूड में नहीं हूं, ना मैं चाहूंगा कि क्रॉस टॉक हो सके। एवरीबॉडी नोज कि नरेंद्र मोदी किस तरह मेहमान करके वो अफगानिस्तान से जा रहे थे यहां आके, फिर एवरीबॉडी नोज कि हमारे यहां किस तरह के बयान डॉन लीक्स और डॉन टू के हवाले से, जिस तरह मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बात हमें ये आना पड़ेगा पाकिस्तान का नैरेटिव एज अ स्टेटमेंट लेके हमें चलना पड़ेगा। ये छोड़ दें इंडिया, यानी आपस में सियासी जमातों को छोड़कर आगे चले। अब आता हूं दूसरी बात की तरफ। अगर ये देखा जाए जजमेंट के अंदर फैक्ट सारा बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इंडिया के लिए मैं नहीं समझता कि कोई किसी तरह का भी कोई रूम मौजूद है। और दूसरी जहां तक है पाकिस्तान, और ये हमें ये चीज याद रखनी चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से अगर हम हिस्ट्री उठाकर देख लें तो डिसीजन अगर सख्त डिसीजन भी हुए हैं तो किसी ने माने नहीं है। अमेरिका तक ने नहीं ये डिसीजन वो माने हैं, लेकिन वो अब ये डिसीजन को अगर सामने रख के देखें, पाकिस्तान अगर इस डिसीजन को मान भी लेता है
तो काउंसलर एक्सेस देना है, काउंसलर एक्सेस दे दे, उसमें क्या मसला है? अब काउंसलर एक्सेस देने के बाद जो कि जजमेंट में अब इस जजमेंट पर काउंसलर एक्सेस अगर देने के बाद अगर वो इतराज लेकर फिर दोबारा भी जाते हैं, उससे ये वाले जजमेंट जो है ना, ये जजमेंट रिव्यू नहीं हो सकेगी। महासिवाय वो इफेक्टिव रिव्यू की जो बात करते हैं, इफेक्टिव रिव्यू में अगर पाकिस्तान चाहे तो जो उनके लीगल या तो फैक्चुअल सबमिशन है वो रिव्यू के अंदर डेल्ट भी किए जा सकते हैं, डील भी किए जा सकते हैं। और हमारे पास इतना मटीरियल है एग्रेशन के हवाले से, अफगानिस्तान का एपीएस एवरीबडी नोज इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से किस तरह इंटरवेंशन की है और ये हालात आ रहे हैं। मैंने इस जजमेंट को बड़ा गौर से पूरा जजमेंट को पढ़ा है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट आर लीगल टीम के इतने अच्छे तरीके से पूरे केस के साथ और एक एक चीज और फैक्ट्स को बताया है। बड़ा अगर मामूली सा भी रिलीफ तो तब मिलना था ना, अगर जजमेंट सस्पेंड होती रिलीफ तो तब होना था कि मिलिट्री कोर्ट का डिसीजन सेट असाइड कर देते और कहा जाता कि इसको सिविल कोर्ट चलाएगी। तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, हमें इन बातों में बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने टीवी चैनल्स के ऊपर ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यानी आपके मुताबिक हमारी लीगल टीम ने 100% जो है वो परफॉर्म किया है। ऑलराइट, यहां पर मैं बस एक बात ऐड करूंगी। सर हयात खान साहब, आपने नीले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। अजहर सिद्दीक साहब की मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हमारी लीगल टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड वी शुड अप्रिशिएट इट। बट एक मैं छोटा सा रिमाइंडर करा दूं कि इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ के टाइम में बार बार अपनी तकरीरों में जिक्र करते थे कि मियां साहब ने कभी इसका नाम नहीं लिया। और मैं अभी यही रिमाइंड कराना चाह रही हूँ कि आप हमें ये रिमाइंड करा रहे हैं तो इमरान खान साहब ने कितनी दफ़ा इसका नाम अपनी तकरीरों में लास्ट 10 मंथ्स में लिया। एक दूसरा मैं पॉइंट अपना रिपीट करूँगी कि हुकूमत का ज़्यादा फोकस होना चाहिए था, लीगल टीम हैज़ परफॉर्म्ड वेल। थर्ड कि इन्होंने ये पीएमएलएन के टाइम में ये बंदा अरेस्ट हुआ लेकिन इन लोगों ने हमारे पीटीआई ने हमारे खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी कि मियां नवाज शरीफ ने इंडिया को इस बंदे को वापस कर दिया है। तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि हम पीटीआई के साथ खड़े होते हैं जब भी इंडिया या कोई भी ऐसी चीज आती है। 27 फरवरी के अटैक में भी ऑपोजिशन वॉज सपोर्टिंग पीटीआई ऑन द यूनाइटेड फ्रंट। तो दिस इज द राइट टाइम टू पीटीआई फॉर ऑल्सो टू रियलाइज कि जो उनकी पुरानी जिस तरह की कैंपेन्स होती हैं वो ना किया करें। और लास्टली जो अभी जब ये सुनाया जा रहा था फैसला तो उसमें ये कही जा रहे थे कि ईरान और यूएस वाला केस, तो यूएस ने तो खुद आईसीजे को कैंगरू कोर्ट कह दिया था। तो आई थिंक कि हमें अगर हम इसको प्रूफ कर देते कि ये बंदा एजेंट है तो हमारे पे एक कंपलसरी भी ना हो कि हम ये इनकी बात काउंसलर वाली भी माने। ऑलराइट, फैसल हयात खान साहब, एक तो आप ये जो हिना परवेज भट्ट ने सामने रख दिया एस्पेक्ट इसको भी रिस्पॉन्ड कर दें और फिर दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो मर्सी अपील है उसके हवाले से भी बात की जा रही है कि हमारे आर्मी चीफ बाजवा साहब के पास ये मर्सी अपील भी मौजूद है, उसके होते हुए वो भी शायद इस डेथ सेंटेंस को जो है सजाए मौत को वो खत्म कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है आगे जाकर इस केस में डाउन द रोड? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें इस बात में जाना ही नहीं चाहिए कि ये किसकी हुकूमत में इसका स्टार्ट हुआ और किसकी हुकूमत में इसका डिसीजन आया। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के हर बच्चे से बड़े लेके और हर जिम्मेदार शहरी के लिए ये खुश आइन बात है कि जो भारत का असली चेहरा था वो पाकिस्तान ने इंटरनेशनली वो साबित कर दिया कि बेसिकली ये दहशतगर्द हैं, जबकि पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी के हवाले से बात करते थे इनफैक्ट ये खुद दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है दहशतगर्दी में इनके इनकी जो है हाथ वो आज साबित हो गया है। इसमें अगर आप इसमें इसके अलावा किसी बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस पर क्रेडिट जो है वो कोई शक नहीं कि हमारी लॉ फोर्स एजेंसीज जो हैं, लॉ फोर्सेस जो हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जाता है जिन्होंने इसकी ऐसे तरीके से इब्तदा की और उसको फैसले तक लीगल टीम को ऐसे सबूत ठोस सबूत दिए जिसकी बुनियाद पर आज ये फैसला आया है। तो इसमें किसी को क्रेडिट लेने की तो कोई बात ही नहीं। दूसरी जो बात आपने की
कि क्या इसकी मर्सी पिटीशन के हवाले से। देखिए ये मैटर बड़ा सेंसिटिव मैटर है, मेरे ख्याल में इस वक्त जो है पाकिस्तान के मीडिया को ये चीज बावर कराना चाहिए और हर पाकिस्तान के जिम्मेदारी शख्स को इस बात का अदराक कराना चाहिए कि ये जो फैसला आया है ये फैसला पाकिस्तान की कामयाबी है और इसके जो इंपैक्ट हैं वो दूर रस होंगे, इंटरनेशनली इसका इंपैक्ट जो है बड़ा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होगा। और जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं अजहर सिद्दीक साहब का, जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था यहां पर, अजहर सिद्दीक साहब ये जो मर्सी पिटीशन है, मर्सी अपील है, वो आर्मी चीफ बाजवा साहब के पास है, तो क्या उसकी ग्राउंड्स पर, उसकी बेसिस पर ये जो सजाए मौत का फैसला है ये खत्म किया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ हमें होता हुआ नजर आएगा आगे जाकर? क्वेश्चन जो है ना, उनके पास मर्सी पिटीशन पड़ी है, यहाँ इफेक्टिव रिव्यू की बात पड़ी है। अगर आप लीगली इसको देखना चाहेंगे तो ये मैटर पहले उसी कोर्ट के सामने जाएगा जो ट्रायल कोर्ट ये सारे मामले को देख रही थी, फाइनली जो देख रही थी, जो एपीलेट कोर्ट देख रही थी, वो इसको रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में पहले देखेगी और उसके बाद अब मर्सी पिटीशन इन माय ओपिनियन राइट नाउ इट हैज बिकम इनइफेक्टिव नहीं हो जाता। और हाँ, वो एक अलहदा बात है कि पाकिस्तान या किसी और इस हवाले से अगर हमको लार्जर प्रस्पेक्ट में कुछ चीजों को देख रहे हैं, इंटरनेशनली देख रहे हैं, तो जो कि मर्सी पिटीशन पड़ी है, मर्सी पिटीशन के अंदर इख्तियार तो है, फर्ज करें अगर कल अपना इसको अगर आप सिर्फ और सिर्फ अजहर सिद्दीक साहब एज मच एज आई हैव अंडरस्टूड के अगर जब ये आईसीजे के डिसीजन में ये कह दिया गया है फैसले में कि अफेक्टिव रिव्यू किया जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो मर्सी पिटीशन है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। दैट्स व्हाट वी शुड सी इट इन लीगल टर्म्स। यानी उस वक्त तक अगर देखा जाए तो ये वो हो नहीं सकता ना। रिव्यू मीन है कि कोर्ट ने करना है मर्सी पिटीशन में, अगर वो तो पाकिस्तान अगर फैसला करती है एज ऑन लार्जेस्ट परस्पेक्टिव कि हम इस सारे मामले को अगर आगे लेके चलना है या कुछ हालात पे कुछ चीजों पे अगर आपस में कोई कॉम्प्रोमाइजिंग की पोजीशन आती है तो वो मर्सी पिटीशन के अंदर डिसाइड हो सकता है, लेकिन बट आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है और जो केस जीता है इसको सामने रखते हुए यहां बैठ गया फेडरल गवर्नमेंट को या पूरे तमाम सियासी जमातों को आगे आप बैठना चाहिए कि सब ऑलराइट। यहां पर हम मूविंग ऑन, हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये जो कुलभूषण केस का फैसला है, हम ये भी देखते हैं कि ये अब ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब जो पाक भारत बैकडोर मुजाकरात हैं, डिप्लोमेसी है, वो भी हो रही है और फिर जो करतारपुर राहदारी है उस पर जो डायलॉग है उसका अमेरिका ने भी जो है उसको वेलकम किया है, तो यहां पर क्या ये पाक इंडिया रिलेशंस में बेहतरी की खातिर जो है कुलभूषण को पाकिस्तानी हुकूमत रिहा करने पर भी एक गुडविल के तहत गौर कर सकती है या ये बियॉन्ड एनी गुडविल है ये जो मामला है? नीलम, मैं ये शुरू में मैंने ये बात कही थी कि हमें अगर हमने मर्सी पिटीशन भी देनी है तो हम इसको यूनिलैटरली सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से एक डिसीजन ना लें, ये ऐसा बायलैटरल डिसीजन होना चाहिए जिसकी डिप्लोमेटिक लेवरेज हम यूज़ करें, और हम तब यूज़ कर सकते हैं अगर हम अपना कश्मीर का इशू दोबारा रेज करें। हम इनके फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको वही दोबारा रिपीट करूँगी कि जब हमने अभिनंदन को वापस किया, उन्होंने अभी हमारे से रिक्वेस्ट भी नहीं की थी वापसी की और हमने उसको वापस कर दिया, तो हमने क्या डिप्लोमेटिक लेवरेज लिया? इंडिया ने हमें क्या फायदा दिया उसका? मोदी साहब को इतनी कॉल्स की, उन्होंने तुम्हारी कॉल्स भी रिटर्न नहीं की। तो हम जो भी डिसीजन इस वक्त करते हैं वो यूनिलैटरल फ्रंट पे नहीं होना चाहिए, उसकी हमें कोई रेसिप्रोकेशन भी होनी चाहिए इंडिया से, हम उसकी क्या डिप्लोमेटिक लेवरेज लेते हैं। अभी मर्सी अगर पिटीशन हम देते भी हैं, हम इसको छोड़ नहीं, इसको डेथ सेंटेंस देते, हमें इंडिया से क्या फायदा मिल रहा है? कोई बेहतर इंडिया से रिलेशनशिप मिल रहे हैं? तो ये मैं सिर्फ यही बात करना चाह रही हूँ कि हम अपने कश्मीर के इशू को या और भी इंडिया से इश्यूज हैं उनको अपने सामने लाएं और उनको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सॉल्व करें। दूसरी चीज करतारपुर बॉर्डर के वाली भी बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी डिसीजन जो है वो यूनिलैटरल सिर्फ पाकिस्तान की साइड से हुआ है। इंडिया ने तो अभी तक अपनी कोई प्रॉपर डेलीगेशन भी नहीं भेजी। ये अभी आपने इनकी भी बात सुनी है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे सर पर जो प्राइम मिनिस्टर का अमेरिकन ऑफिशियल विजिट है वो भी खड़ा हुआ है, और फिर पाकिस्तान ने जो तालिबान और अमेरिका के साथ जो डायलॉग थे
उसमें भी पाकिस्तान का रोल जो है वो अब खुलकर सामने आ गया है। हम ये भी देखते हैं कि इंडिया को किस तरह से मुंह की खानी पड़ती है, तो इससे हम ये जो तमाम डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है इसको जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन विजिट पर जाते हैं किस तरह से कैश करवाया जा सकता है, और फिर हमारे सामने हाफिज सईद जो कि जमात दावा के हेड है उनकी गिरफ्तारी भी सामने, क्या ये सब ये तमाम मामला जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अमेरिका जाने की तैयारी है, फैट एफ की रिस्ट्रिक्शन भी हमारे सामने थी। देखिए सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की फॉरेन पॉलिसी जो है और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कामयाबी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी की एक ये एक कड़ी है कि जो तालिबान के साथ डायलॉग है उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है उसकी अहमियत को हर एक ने तस्लीम किया है। और अमेरिका के हवाले से जो आज तो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब फॉरेन ऑफिस ने भी इस बात को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उन्होंने ये बात डिस्कस की अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कि ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान जब अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है अमेरिका विजिट करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस होंगी। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें खुश आइन हैं और बेहतरी की तरफ गामजन हो रही हैं, और करतारपुर जो राहदारी भी जो है ये भी पाकिस्तान का एक ऐसा जेस्चर है जिसके दूरस जो है रिजल्ट होंगे और पाकिस्तान अपनी फॉरन पॉलिसी जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो रहा है। तो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है वो यकीन अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विजिट है उसमें ये सारी चीजें डिस्कस भी होंगी, और मैं समझता हूं कि इसके बाद जो है चीजें बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगी। नीलम मैं एक चीज तो यहाँ पर फिर है ना, कितना माइलेज मिल सकता है प्राइम मिनिस्टर को अपने यूएस विजिट में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, इन तमाम जो हमारे सामने डेवलपमेंट्स आ रही हैं, हाफिज सईद का अरेस्ट ले लें प्लस ये कुलभूषण यादव की जो फैसला है आईसीजे की जानिब से वो भी हमारे सामने, कितना माइलेज जो है लिया जा सकता है इन तमाम डेवलपमेंट से। नीलम मैं छोटा सा रिमाइंडर कराना चाहती हूँ कि मियाँ साहब के दौर में मियाँ साहब फ्री ट्रेड की बात करते थे और मियाँ साहब कहते थे कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और उनको यही कहा जाता था कि मोदी का यार है। तो इस तरह की चीज़ें हम भी तब अपने हमारी हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज से इसलिए अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहते थे कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो और रीजन में स्टेबिलिटी हो। तो अब यही बातें की जा रही हैं, हम भी अपने टाइम पे ये बातें करते थे। एहसन इकबाल साहब इतनी दफ़ा ये करतारपुर बॉर्डर वाली बात करते रहे लेकिन तब ये चीज़ें नहीं हो सकी। और जैसे आपने कहा कि हाफिज सईद जो हैं वो यूएन की लिस्ट में हैं एज अ ग्लोबल व्हाटएवर यू कॉल, बट मुझे ये बताएं कि सैडली NA120 का जब इलेक्शन हो रहा था बाय इलेक्शंस में इलेक्शन कैंपेन से पहले, तो ये हाफिज सईद साहब की जमात जो है उन्होंने उसको खड़ा किया गया और उसको इन्फ्लेटेड तौर पे खड़ा किया गया वोट तोड़ने के लिए। अभी बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो ग्लोबल टेररिज्म, क्योंकि हमें अगर यूएस से प्रेशर आ रहा है या और कंट्री से प्रेशर आ रहा है और ये विजिट से पहले भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो अच्छी बात है एज सून एज लॉन्ग एज ये हमारे लॉस के अकॉर्डिंगली या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हो रही है, वेल एंड गुड। हम तो कहते हैं, हम प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तान इज अ पीस कंट्री फॉर पीस। तो मैं इमरान खान साहब को ये बहुत कहती हूँ कि वो जाएं यूएस पे, हमारे लिए जितना भी अच्छा कर सकते हैं अच्छा रिलेशन होना चाहिए जैसे उन्होंने बाकियों में किया है, लेकिन अच्छी चीज़ है। तो ये इंटरनेशनल डायनेमिक्स में तो ये हमारे सामने डेवलपमेंट्स हैं। हम अगर अब इंटरनल डायनेमिक्स की तरफ आ जाए तो हमने देखा कि वजीर आजम इमरान खान साहब आज कहते हैं कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे और हड़तालें करने से वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अब यहां पर हम है ना आपका पहले पर्सपेक्टिव ले लें, आज जो वजीर आजम साहब की जानिब से कहा गया है कि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, हड़तालें जो है वो उनको डरा धमका नहीं पाएंगी, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। तो ये जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, हमने देखा कि आपकी हुकूमत ने भी कोशिश की, आपसे पिछली हुकूमत ने भी बड़ी कोशिश की कि ये ट्रेडर्स कम्युनिटी को थोड़ा टैक्स डिसिप्लिन किया जाए, इनको टैक्स कल्चर में लाया जाए, बट देवर हेड ऑन स्ट्रॉन्ग विद द प्रीवियस गवर्नमेंट्स एज वेल। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत जो है वो ये कोशिश दोबारा करती नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत कामयाब हो जाएगी? देखें मैं बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जो ट्रेडर्स हैं उनको टैक्स देना चाहिए और उनको टैक्स नेट में आना चाहिए, लेकिन तरीका होता है एक लीडरशिप का।
अब लीडर, अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ये ट्रेडर्स जाके खुद इमरान खान साहब को मिले हैं और उसके बाद भी इनके मुजाकरात कामयाब नहीं हुए। शब्बर सैदी साहब को आज शायद पता नहीं साइड पे कर दिया है, उनसे जब ये मिले हैं ट्रेडर्स वगैरह तो वो शब्बर सैदी साहब की तो यही होती है कि अगर आपको ये पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही तो चाहे आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। इस तरह की ये एक लीडरशिप की कॉम्पिटेंसी होती है कि आप दूसरे बंदे को किस तरह समझा सकते हैं। तो आई थिंक कि अगर प्रॉपरली ट्रेडर्स को टैक्स नेट के बारे में समझा सकते या उनको और ग्रेजुअली, एक दम नहीं होता, यू हैव टू ग्रेजुअली ब्रिंग देम इन द नेट, तो आई थिंक वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको ट्रेडर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन टैक्स नेट में आना उनका बहुत नेसेसरी है। लेकिन इसके लिए आप उनको टैक्स नेट में ला रहे हैं, लेकिन आप उनको रिलीफ क्या दे रहे हैं? आपकी डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, खाने पीने की हर एडिबल चीज 32 चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। भाई आप उनको टैक्स नेट में जरूर लाएं लोगों को, लेकिन आप उनको कंपनसेट तो करें। अभी आज रजा बाकर साहब ने कहा है कि 6 महीने तक और प्राइस इंक्रीज होगी। फैसल हयात खान साहब और प्राइस इंक्रीज होगी, आप जरूर उनको टैक्स नेट में लाएं। एक और खबर जोर पकड़ती नजर आई है। ऑलराइट हिना, वी गॉट योर पर्सपेक्टिव। यहां पर फैसल हयात खान साहब, आज एक और खबर जो जोर पकड़ती हुई नजर आई और अभी हिना ने भी जिक्र किया है उस हवाले से कि कहा यह जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो FBR का डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है और इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जो उनकी मीटिंग्स थी वो भी जो है कैंसिल कर दी हैं और अब शब्बर जैदी जो FBR चेयरमैन है उनको उनके डेजिग्नेशन से हटाने की खबरें जो हैं वो भी जोर पकड़ रही हैं। तो क्या उनका वाकई में ओहदा तब्दील होने जा रहा है? क्या शब्बर जैदी को चेयरमैन FBR के ओहदे से हटाया जा रहा है? और अगर हटाया जा रहा है तो फिर ये सिर्फ 2 महीने अभी हुए हैं उनको आए हुए और जब भी कोई काम रोल इन होने लगता है तो हमें उस शख्स के डेजिग्नेशन तब्दील होने की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। क्यों एक सस्टेनेबल FBR का चेयरमैन आ रहा है, ही इज अ बैचमेट ऑफ खावर मानिका, सो प्लीज ये आई डोंट नो इफ इट्स अ रूमर और इट्स ट्रू, सो आई वांट हिम टू लाइक क्या रियलिटी है। इनटू जस्ट रूमर्स अराउंड, लेट्स टॉक यू नो ऑन फैक्ट्स हियर। जी फैसल हयात खान साहब, पहली बात यह है कि ट्रेडर्स के साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पंजाब हुकूमत ने उनके साथ मुतवातर मीटिंग्स की हैं और उन्हें यह बात रियलाइज कराई गई है कि कोई भी आपके साथ नया टैक्स किसी भी प्रोडक्ट पे जो है जो आपसे रिलेटेड है उन पे नहीं लगाया गया। सिर्फ आपको इस बात के रियलाइजेशन की जरूरत है कि जो टैक्स कलेक्शन है और टैक्स नेटवर्क में आपको लिए बगैर जो है पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर नहीं हो सकती और पाकिस्तान की इकोनॉमी आपके टैक्स दिए बगैर जो है पॉसिबल नहीं। और मैं समझता हूं और ये बात हकीकत के बिल्कुल करीब है कि ऑलमोस्ट जो है वो चीजें फाइनल हो गई हैं और करीब जो हैं इनके साथ बैठ के जो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी। ये ट्रेडर्स ने भी ये बात ओन कर ली है कि तो आपका सवाल जो तो यही सामने उठाया जा रहा है फैसल हयात खान साहब के, जब काम हो रहा है किसी एक डिपार्टमेंट में या किसी एक मिनिस्ट्री में, आपने खुद कहा कि ये फैसले हो रहे हैं और ये तब्दीलियां आ रही हैं, तो फिर इतने बड़े ओहदों पर होने वाली अपॉइंटमेंट्स को, डेजिग्नेशंस को इतनी जल्दी तब्दील करना, तो क्या इससे उस इदारे की, उस मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट नहीं होती? इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? देखिए अभी तक तो ये एक र्यूमर है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं और मैं नहीं समझता कि जो ये र्यूमर फैलाई जा रही है इसका क्या बैकग्राउंड है। असल बात यह है कि जो वजूहात जो बताई गई हैं उसमें कहा जा रहा है कि शब्बर जैदी और ताजरों के दरमियान जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है उनके दरमियान होने वाले जो मुजाकरात थे वो कामयाब नहीं हुए और जिसकी वजह से अभी भी एहतजाज जारी है और यही वजह बन रही है शब्बर जैदी को अपने डेजिग्नेशन से हटाने की। देखें शब्बर जैदी का जहां तक ताल्लुक है, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं कि ट्रेडर्स के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं वो ऑलमोस्ट कामयाब हो गई हैं और अनकरीब जो है विद इन अ डेज जो है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएंगी और आपको पता चलेगा कि इनको ये बात रियलाइज कराई गई है और जो ताजरान के या ट्रेडर्स के तहफ़ुज़ात थे वो तो पहले दिन ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये बात की कि हम आपके साथ उन इशूज पर बात करने के लिए भी तैयार हैं, उनको सॉल्व करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके जेन्युइन इशूज हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हम
सामने टैक्स नहीं देना तो ये मुनासिब बात नहीं, बल्कि टैक्स की कलेक्शन का जो तरीकाकार है, जो मैकेनिज्म है, उसमें बात हो सकती है और उसको बेहतर करने के लिए कोशिश भी की जा सकती है। करदा जो फैसले लेती है अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी पैदा कर सके। मूविंग ऑन, यहां पर हिना परवेज भट्ट साहिबा, हम देख रहे हैं कि आज जो है वो एफआईए ने मियां तारिक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि जज अरशद मलिक की जो अलेज्ड ऑब्जेक्शनेबल वीडियो है उसके बनाने में कहा जा रहा है कि वो मुलविस रहे हैं। तो अब ये उनकी गिरफ्तारी से जो केस है, ये तमाम हमारे सामने अनफोल्डिंग इवेंट्स हुए थे, उस पर अब क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक में लास्ट सेगमेंट वाला पॉइंट ऐड कर दूं कि इस तरह जब आईएमएफ की निगोसिएशंस भी हो रही थी, उसके आखिरी मोमेंट पे असद उमर साहब को चेंज कर दिया गया, और अब जब मेन एफबीआर के चेयरमैन को ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता है कंट्री में, और ये इकोनॉमी के लिए और पोलिटिकल गवर्नेंस के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। सो बिल्कुल आपकी, अब जो मैं नेक्स्ट बात करूँ तारिक महमूद वाली, वो ये है कि तारिक महमूद साहब की जो गिरफ्तारी है वो तो हमारा स्टांस और वैलिडेट कर देती है कि जो जज अरशद मलिक साहब, वो एक्चुअली उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था किसी वीडियो से। तो मैं, ये अच्छी बात है कि हमने इनको, तारिक महमूद साहब को पकड़ा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि वो जो लोग ये वीडियो यूज करके अरशद मलिक को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनको कैसे और कब पकड़ा जाएगा? या वो लोग जो अब हुसैन नवाज जीआईटी में गए, अरशद मलिक के हालिया बयान एफिडेविट के मुताबिक तो नून लीग की जानिब से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। एफिडेविट का टाइम आप मुझे बताएं, उनकी ये एफिडेविट का टाइम क्यों आया वीडियो एविडेंस के बाद? अगर जज अरशद मलिक साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा था या पैसे दिए जा रहे थे, तो उन्होंने मॉनिटरिंग जज को क्यों नहीं बताया, और उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं इस केस से साइड पे हो जाता हूं? अब आप मुझे बताएं कि अरशद मलिक साहब को रिमूव कर दिया, तो जो उनका डिसीजन है उसको नॉल एंड वॉइड क्यों नहीं किया? जब वो रिमूव हो गए तो क्यों अरशद, जब मियां साहब को क्यों जेल में, अभी तक वो तो हर दिन उनका जेल में इज अनजस्टिफाइड। उसकी हियरिंग जो है बहुत अच्छी बात है कल, और आगे मजीद हियरिंग जो स्केड्यूल हो गई है हमारी नजर रहेगी। ऑलराइट, यहां पर फैसला है, क्या जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता इस केस का तो नवाज शरीफ जो है वो जेल में ही रहेंगे, और इस केस में ही नवाज शरीफ के केस का भी फैसला किया जाएगा? आई मीन हाउ विल ऑल दिस वर्क आउट नाउ? आपसे सवाल किया जा रहा है। मैं ट्वीट भी मेंशन कर दूं जो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से किया गया है ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि वीडियो से जज को ब्लैकमेल करने और बेगुनाह नवाज शरीफ को सजा दिलवाने वाले को भी पकड़ा जाएगा। तो ये इस ट्वीट पर भी क्या पर्सपेक्टिव होगा आपका? देखिए नीलम, पीएमएलएन की डे वन से यही तरीकाकार रहा है कि पहले जो है उन मुक मुका करने की कोशिश करते हैं, फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, जब ब्लैकमेल कोई नहीं होता तो फिर एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो इनका डे वन से वतीरा रहा है। अब जो आपने बात की अरशद मलिक साहब के हवाले से, तो ये मैटर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, और उसमें चीफ जस्टिस ने जो उस पर कल डिबेट की और उसकी डेट जो है 23 जुलाई रखी गई, तो उन्होंने जिस प्रोस्पेक्टिव से बात की वो तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मेरे ख्याल में यहां तक मैं समझता हूं कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जरूर देखना चाहिए, और गवर्नमेंट ने तो पहले दिन से यह बात की थी कि ये जो इस पर सो मच एक्शन जो है, यह कमीशन जो है वो खुद कोर्ट को खुद लेना चाहिए। और हिना हम देख रहे हैं, जी ऑलराइट, हिना हम यहां पर देख रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नेक्स्ट हियरिंग है उसमें अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया है, तो यहां से ऑनवर्ड्स क्या नजर आ रहा है नून लीग को, उनका क्या पर्सपेक्टिव, मजबूत होगा, कमजोर होगा, क्या कहिएगा क्विकली? देखिए, इन्होंने फैसले आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन हुकूमत जो है वो दो दिन तक पहले डिफेंड करती रही है और फिर उन्होंने इस केस से ला ताल्लुकी कर ली थी, तो वो तर्जमान नहीं है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप, मैं बताऊं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद सुनना, ये फैसला सुनने की है, क्योंकि इस वक्त हमारी जजेस की लेगेसी और डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों का एतमाद जो है वो शेक हो गया है इसके वक्त, कि लोग अपनी पूरी लाइफ का डिसीजन जो है वो जजेस पे करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर उनको लगे कि
ये कोई ब्लैकमेलिंग होने की वजह से या वीडियोस के होने की वजह से हमारी डिसीजंस अफेक्ट होते हैं, तो ये लोगों का ट्रस्ट जो है वो जुडिशरी पे खत्म होता है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका क्विकली फैसल हयात खान साहब, आज जो एक और डेवलपमेंट सामने आती है उसमें सादिक संजरानी और राजा जफरुल हक साहब जो है उनकी अहम मुलाकात हुई है जिसमें हासिल बजिंजो साहब भी मौजूद थे, तो ये क्या समझा जाए इस मीटिंग से कि किसी किस्म की कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि इस तहरीक को, नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक को वापस लिया जाए, क्या इस तरह से कोई मामला जो है वो तय पा रहे हैं? देखिए, हुकूमत का तो पहले दिन से ये मौकिफ है कि साजिद सजानी साहब के खिलाफ जो मोशन मूव की गई है वो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होगी, और नंबर ऑफ वोट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो सिर्फ अपने वोट्स को कंपेयर करते हैं। अगर ओवरऑल वोट्स को कंपेयर किया जाए तो मैंने तो पहले दिन से ये बात की थी कि ये किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होंगे, और आज की मुलाकात में भी कोई क्या कहिएगा, अब जो सेनेट का सेशन है वो कहा जा रहा है जुलाई 23 को बुलाए जाने का उसके जो है चांसेस लग रहे हैं, तो अब सेनेटर्स की तादाद को पूरा रखने के लिए ऑपोजिशन का सेशन जो है वो भी होने जा रहा है, किस तरह से आप स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं? देखिए, एक बात मैं फैसल आपको याद करा दूं कि हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर जो है अभी रिसेंटली सेनेट में और पंजाब असेंबली में भी इन लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया, और उनके लिए जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो फेमस हैं, और बजिंजो साहब ने कहा भी था कि उनसे ज़रा मुत्तहद रहना चाहिए, तो ये तो बात पीटीआई कहता था हम नया पाकिस्तान ला रहे हैं, तो प्लीज़ अगर ये ला रहे हैं नया पाकिस्तान तो इस तरह की चीज़ों पर ना करें। दूसरी बात है कि अटेंडेंस बिल्कुल हमारी पूरी होगी, और जैसे ग्रैंड अपोजिशन की अलायंस हुई है उसमें हम इनकी हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, इसलिए हम सेनेट का चेयरमैन लाजमी तौर पे चेंज करेंगे, ये जो मर्जी कर ले ये चेंज जरूर होएगा, बिकॉज़ इस ये द ओनली रीजन इज प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं, इकॉनमी इस कदर खराब है, गवर्नेंस इतनी बुरी है कि लोग पीटीआई की हुकूमत से नहीं सेटिस्फाइड, तो सेनेट का चेयरमैन। ऑल राइट जी, बहुत-बहुत शुक्रिया फैसल हयात खान साहब आपका, हमारा परवेज भट्ट साहब आपका और अजहर सिद्दीक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर चलते चलते हम बात कर लें मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो कि कल गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से दी गई, उन्होंने 2 माह के लिए जो नई मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जब ऐलान किया तो उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो उसे मजीद 1% जो है इंक्रीज कर दिया गया, और जो अब नई इंटरेस्ट रेट है वो 13.25% हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट के बाद जो प्राइसेस में होने वाला इजाफा है उसके बाद यह फैसला किया गया है, तो अब ये इन मॉनेटरी पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, और फिर जो ये इंटरेस्ट रेट में इजाफे से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, 12% इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है अब तक, इस पर अवाम का क्या रद्द अमल होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।